बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास 10 लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने जो पहले लेक्चर में था तो हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर 2 एंड 3 पे आज हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। से हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज क्या होते हैं। गैसेस एक्सचेंज हमारे पास जो गैसेस का तबादला होता है एनवायरनमेंट के और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, तो उसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। तो आज है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक इंसान के बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज़ मतलब एनिमल्स जो हैं जितने भी हैं, उसका एक स्पेशल ऑर्गन होता है एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्लांट में जो है इसमें एक स्पेशल ऑर्गन नहीं है। जिस तरह हमारे लंग्स हैं, इस तरह कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है प्लांट्स में। इसके कुछ सर्फिस हैं, सर्फिस के थ्रू ये करता है। तो अगर हम देख लें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि गैसेस एक्सचेंज अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। लेकिन अगर हम देख लें तो इंसान की जो बॉडी है उसमें हर टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आता है। इनहेल और एक्सहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि प्लांट्स में जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किस तरह चेंज है? क्योंकि डे टाइम में हम कहते हैं प्लांट्स के लिए हम एक प्रोसेस का एक नाम यूज़ करते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसके ज़रिए ये प्लांट जो अपना खुराक बनाते हैं। तो दिन के टाइम पे जब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एनवायरनमेंट में मौजूद है वो हमारे पास क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले गए प्लांट्स, तो इससे हमारे पास हमारा माहौल साफ होता है। और हमारे पास जो नाइट टाइम पे अगर हम देख लें तो आप लोगों ने सुना होगा कि नाइट टाइम में कहते हैं बड़े जो हैं वो कहते हैं कि पौधों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। तो उसकी साइंस कहता है कि उसकी ये जो एक फिनोमिना ये है क्योंकि दिन के टाइम पे ये ऑक्सीजन बाहर निकालता है लेकिन रात के टाइम पे ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अपोजिट इस तरह कि हमारे पास यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखो डे टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रहा है, बाहर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेके जा रहे हैं, गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन नाइट टाइम पर हम अगर देख लें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक जो गैसेस एक्सचेंज जो है ये कहाँ कहाँ पे होता है कि हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। मैंने आपको कहा था कि हमारी बॉडी में जो रिस्पायरेशन हो रही है इसमें ये सवाल आता है सर कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में हमारे पास ये फ्लूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और एनर्जी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने भी बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में होता है तो उसको हम हवा के ज़रिए गैस की शक्ल में हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम पे हमारे पास एनवायरनमेंट से लेते हैं और ये क्या करते हैं और फोटोसिंथेसिस में इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो मैंने कहा है कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट एंड कैरी आउट ऑक्सीजन इन डे टाइम। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इन करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं और आउट करते हैं ऑक्सीजन डे टाइम पे। अभी हमारे पास दूसरा है कि गैसेज एक्सचेंज अकर टॉवर्ड द सर्फेस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड प्लांट्स बॉडी। कि हमारे पास, मैंने आपको पहले कह दिया कि हमारे पास जो गैसेज एक्सचेंज हैं इन ह्यूमन्स के अंदर, किसी एनिमल्स के अंदर, हमारे पास जो हमारे पास मेमल्स हैं, मेमल्स की एग्जांपल ले रहे हैं, वो जानवर जो दूध देते हैं, तो उसमें अगर हम देख लें तो उसके लिए लंग्स हैं। क्या है? लंग्स हमारे पास, जिसको हम फेफड़े कहते हैं, तो लंग्स हमारे पास क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है ह्यूमन में। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ सर्फिस हैं प्लांट्स में, कुछ बाहर वाले एरिया हैं, सर्फिस जो बाहर वाली सतह होती है हर एक चीज़ की उसको हम सर्फिस कहते हैं। तो उस सर्फिस के ज़रिए यह हमारे पास गैसेस एक्सचेंज करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एपिडर्मस। इपी मीन्स EPI, ये हमारे पास क्या है, एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है ओवर, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसका भी होगा तो उसको हम कहेंगे इपी। तो द आउटर सर्फेस ऑफ द रूट्स एंड लीव्स, तो लीव्स का जो हमारे पास जो यंग स्टेम है, जो नए निकले हुए हैं, जो लीव्स का जो बाहर वाली सतह है,
जो पत्ते अगर हम ले लें तो पत्तियों का जो बाहर वाली सतह जो हमें नज़र आ रही है ये वाली, अगर हम रूट्स ले लें तो रूट्स का जो बाहर वाला सतह है, जो बाहर वाली जगह जो है जो हमें आंखों से नज़र आ रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मस। एपिडर्मस का क्या काम है? तो एपिडर्मस का काम हम पढ़ रहे हैं गैसेज एक्सचेंज, तो एपिडर्मस का काम ये है कि ये क्या करेगा, गैसेज एक्सचेंज करेगा। एट हमारे पास इसके ऊपर ये हमारे पास कुछ एक छोटा सा पर्दा मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल एक पर्दा सा होता है और ये भी हमारे पास वैक्सी होता है। वैक्सी मीन्स जो हमारे पास इसमें चिकनाई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, जो हमारे पास क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज करता है। अभी यहाँ पे सवाल आता है सर कि अगर एक जगह बंद है तो इससे हमारे पास किस तरह एक्सचेंज होगा, अगर उसमें कुछ सुराख नहीं है, कोई और जगह नहीं है तो इससे कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम कागज़ की एग्जांपल ले लें तो उसको हम हवा दें तो उससे हवा बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह हमारे पास जो लीव्स जो हैं और जो स्टेम्स जो हैं, जो रूट्स हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में देख लें इस तरह हमें नज़र नहीं आता, जो छोटे छोटे सुराख हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा हमारे पास क्या करता है, ये लीव्स के ऊपर मौजूद होता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन जो बाहर आ रहा है, या ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो ये हमारे पास किसके थ्रू होता है, ये हमारे पास स्ट्रोमेटा के ज़रिए होता है। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है, जो हमें प्लांट्स में बाहर नज़र आती है, तो उसको हम कहते हैं एपिडर्मस, और एपिडर्मस गैसेज एक्सचेंज करता है। इसके बाद हैं स्ट्रोमेटास, मैंने आपको बता दिया था कि छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें हमारे पास गैसेज एक्सचेंज होता है। इसके बाद है बार्क। अभी हम अगर प्लांट्स को देख लें तो इसमें हमारे पास एक यंग स्टेम होता है। यंग स्टेम जो न्यू जनरेशन में उग आ जाती है, जो ग्रीन कलर में होता है, उसका स्टेम अभी मजबूत नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यंग स्टेम कहते हैं, जो आसानी से टूट सकता है। लेकिन अगर हम प्लांट के देख लें तो प्लांट का एक बड़ा सा तना होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, और जो वुडी होता है जिसमें हमारे पास लकड़ी होती है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ आपको बाहर उसमें देखा होगा कि हर प्लांट का जो बाहर वाला हिस्सा है, ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है ब्राउन कलर में होता है, जो वुडी स्टेम है, तो उसमें हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं बार्क। सही है, ये बार्क क्या है, ये वुडी स्टेम पे जो बाहर वाली जगह जो है जो ब्राउन कलर में है, यहाँ पे हमारे पास इसको हम बार्क कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है। इस गैसेज एक्सचेंज दोबारा बात आती है कि सर आपने तो पहले कह दिया है कि हमारे पास कागज़ की एग्जांपल कि उसमें सुराख होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो बार्क है इसी पे भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम कहते हैं लेंटिकल्स। और लेंटिकल्स क्या करते हैं, लेंटिकल्स हमारे पास गैसेज एक्सचेंज करते हैं। तो गैसेज एक्सचेंज हमारे पास क्या है, जो प्लांट्स में है इसमें सारे जो सरफेस एरिया जो हैं इसके ज़रिए होता है, एपिडर्मस के ज़रिए होता है, स्ट्रोमेटा के ज़रिए होता है, और हमारे पास बार्क के ज़रिए होता है। और ये बात ज़हन में रख लो कि डे टाइम पे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और नाइट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो क्लास 10 इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो पीर के दिन हमारे पास आके वो क्वेश्चन कर सकता है, किसी को कन्फ्यूजन है तो। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना बहुत है।